नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। बहुत प्यारे हैं आप लोग, हाँ ईश्वर के प्यारे हैं आप लोग। सच्ची क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की आपके अंदर प्यास है। बहुत लोग जन्म लेते हैं और बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना भी कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सत्य ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, पर सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तब तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य को पाने की प्यास का भी अपना ही एक आनंद है। ले रहे हैं ना आप लोग आनंद? तो जो शूद्र के लिए प्यासा हो और उसे पाले तो भी अधिक आनंदित नहीं रह सकता। तो विराट के लिए प्यास से भरा हो और ना भी पा सके तो भी आनंद से भर उठता है। जिन अर्थों में हम अच्छे की कामना करने लगते हैं ना, उन अर्थों में अच्छा हमारे अंदर पैदा होने लगता है। परमात्मा हमारे अंदर है और उसका बीज हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, लेकिन वो तभी विकसित होता है जब भीतर प्यास हो। तो हुए ना आप लोग परमात्मा के प्यारे? मैं जितनी तीव्र इच्छा रखती हूँ कि ये विचार, ये बीज मेरे अंदर हो, उतनी ही तीव्रता से श्रेष्ठ अंकुर आने की संभावना बना देता है। विवेक वैराग्य के अभ्यास करते करते जब आपके भीतर ये विचार आए कि परमात्मा को पाना है, जब ये विचार आए कि सत्य को ही पाना है, तब बस तब समझ लेना कि अंदर कोई बीज पैदा होने को हो गया। याद रहे कि भीतर कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन पैदा हो रहा है, उसे संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि कोई बीज अंकुरित हो जाए इतना काफी नहीं होता ना, और भी सुरक्षाएं जरूरी होती हैं। बीज में वृक्ष बनने की क्षमता काफी नहीं होती, उसके लिए और भी साधन चाहिए होते हैं। बीज तो बहुत हैं जो अंकुरित होते रहते हैं, पर हर बीज क्षमता होते हुए भी वृक्ष नहीं बन पाते हैं। एक बीज से अनेक वृक्ष और फिर अनेक बीज बनकर पूरी धरती पर वही बीज फैल सकता था, पर हो सकता है इतनी विराट क्षमता वाला बीज नष्ट हो जाए। एक बीज से इतना विराट विकास हो सकता है, तब मनुष्य की आत्मा की शक्ति कितनी विशाल होगी। परमात्मा को हम इस आत्मा की अपार शक्ति से यहीं पा जाते हैं। उसकी प्यास आप में है, इसलिए हुए ना परमात्मा के प्यारे। लेकिन इससे कोई ये ना सोचे बस इतने से काम हो गया। जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और संसार का त्याग। वैराग्य, क्या अर्थ है वैराग्य का? त्याग का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना नहीं, ना दुकान छोड़कर, ना नौकरी छोड़कर। त्याग का वैराग्य का बस इतना ही अर्थ है कि तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, उसे इतने मत चिपक जाना कि जब वो छीनी जाए या छूट जाए तब दर्द से भर जाओ, दुख से भर जाओ। संयम रखना खुद पर। संयम एक युद्ध है, अपने ही विरुद्ध है। जीवन एक अवसर है, जैसे बीज, बीज में छुपे हजारों फूल लेकिन प्रकट नहीं होते। याद रहे
बीज को तोड़कर फूल नहीं पा सकते, बीज तोड़ा तो फूलों से गए। उसे सींचते हुए, खाद देते हुए, पोसते हुए, समय की प्रतीक्षा करते हुए, सही समय आने पर स्वतः प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जो बीज ही रह जाए वो अभागा, हुआ भी और ना भी हुआ, व्यर्थ ही हुआ। होने और ना होने में क्या भेद रह गया? अगर बीज ही रह जाना था तो ना भी होता तो भी जल जाता। परमात्मा को पाने में विचार ऐसा ही है। महत्वपूर्ण है ज्ञान, क्योंकि शुद्ध है ज्ञान तो शुद्ध है भाव। शुद्ध भाव से ही उपासना शुद्ध होती है। लेकिन वेद मंत्र जाना, जप किया, अर्थ बिठाते रह गए और भाव को अनुभूति नहीं किया तो व्यर्थ हो जाएगा विचार। बस इसी बात को समझाने के लिए प्रसिद्ध श्लोक भी तो है, जिसमें बताया है कि चंदन की लकड़ी को ढोता हुआ गधा बाहर ही ढो रहा है, वो चंदन की सुगंध का आनंद ही नहीं ले रहा, बस भार मानकर चल रहा है। ऐसे ही वेद शास्त्र मंत्र के साथ भी है। मंत्र पाठ, संध्या उपासना अच्छा है, करनी है, रोज करनी है, पर साथ में भाव से जोड़ना है, साथ में अभ्यास करना है, वरना तो भार ढोते हुए गधे के समान ही उसका आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे। तो दो कार्य हर रोज करने, ज्ञान की प्राप्ति निरंतर करनी और ज्ञान का पता करके, सिर्फ पता करके रहना नहीं है, उसे हटाना भी है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान ना चाहते हुए भी चित्त में स्वाभाविक रूप से है और ईश्वर को पाने में बाधा है, तो इसे हटाना है और हटाने के लिए प्रयोग निरंतर प्रतिदिन करना है। आलसी, प्रमादी, सुस्त आदमी ये नहीं कर सकता, टालने वाली आदत वाला भी नहीं, इसे नहीं कर सकता, सतत लगातार प्रयत्न करने वाला ही कर पाएगा। जो व्यक्ति ये जानता है कि वो क्या जानता है और ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता, वास्तव में यही जानी है। हमेशा प्रयत्न करते रहना होगा, इस काम को मुझे करके ही रहना है, ऐसा नहीं है तो गाड़ी धक्के से चलती रहेगी। साधन, ज्ञान, संग्रह कुछ नहीं होगा। अपने दोषपूर्ण संस्कार पकड़ने हैं, बाधक लगे तो हटाने का अभ्यास करते रहना है। जैसे एक अच्छी तरह से बिताया हुआ दिन सुखद नींद लेकर आता है ना, ठीक वैसे एक अच्छी तरह से बिताया हुआ जीवन सुखद मृत्यु लेकर आता है। जैसे हम सांप बिच्छू को देखते ही मन में पहले से ही निर्णय कर लेते हैं ना कि इसे पकड़ना नहीं है, ये पकड़ने की, ग्रहण करने की चीज नहीं है, इसे कैसे पकड़ना है, वो विचार पहले से नहीं में आ जाता है। नहीं, इसे पकड़ना नहीं है, नहीं इसे छूना नहीं है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, पहले से ही मन में होता है। यद्यपि ये ज्ञान संस्कार के रूप में होता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी निर्णित अवस्था में होता है जहां वो अनायास केवल वस्तु को देखने भर से सक्रिय हो जाता है, आ जाता है। उस विषय के संस्कार सहयोग देकर ज्ञान को कुछ बढ़ा देते हैं। विषय से संबंधित कुछ और भी ज्ञान फिर उठने लगते हैं, फिर उस वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है या परिस्थिति देखकर छोड़ा जा सकता है। क्या करना है, ये ज्ञान इसका कारण संस्कार करते हैं। लोक में तो ऐसे लौकिक विषय ग्रहण रूप में लगते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये और इस अनुभूति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो लगता ही रहता है। स्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलता है। अच्छा, एक और दृष्टांत देखें। आग को देखकर छूना नहीं, ऐसा लगता है ना, आग का उपयोग करना पड़े तो हमारे बुद्धि काम करेगी कि इसे कैसे पकड़ें, कैसे उठाएं, चिमटे से उठाएं या लकड़ी से उठाएं आदि। कितनी भी ठंड लगे, कितनी भी ठंड हो, आज तक आग में हम कूद नहीं गए। पानी में तो हम कितनी भी गर्मी लगे घुस जाते हैं, लेकिन आग में तो कभी नहीं घुसे होंगे ना। हाँ, निकट तो जाते हैं लेकिन उसके अंदर तो कभी नहीं घुसते ठंड को दूर भगाने के लिए।
तो दो बुद्धियां हमारी हमेशा काम करती हैं। एक, अगर मैं इसमें कूद गया तो मुझे नष्ट कर देगी, और दूसरी कि फिर भी मुझे इसका उपयोग तो करना है, तो इस तरह से करूं कि मेरा काम भी हो जाए और मैं बचा भी रहूं। बस ठीक यही बुद्धि साधनों में भी लगानी है। साधनों के साथ रहकर जीवन चलाना है, इनसे अलग होकर, दूर होकर या त्याग करके नहीं। ये छोड़ने योग्य होते हुए भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो हमें अपनी मंजिल पानी है। ईश्वर से दूर करने का कारण ये आग है। जीवन की दृष्टि से देखें तो आग हमारे लिए लाभदायक है, गर्मी देने वाली है, तो उसे हम नहीं छोड़ते। बस ऐसे ही समान साधनों के प्रति भी बुद्धि रखते हैं कि हम इन साधनों से काम भी लेंगे और इन साधनों के प्रति हम आसक्त भी नहीं होंगे, यानी हम इनसे बचे भी रहेंगे। जितने भी पांचों इंद्रियों के सुख से संबंधित विषय हैं, ठीक ऐसी ही बुद्धि अपनी बनानी है। यदि गर्मी नहीं चाहिए तो एक तरफ हटा देंगे, ना तो निकट रखेंगे ना निकट जाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना, कि अगर हमें गर्मी नहीं चाहिए तो हम गर्म कपड़े नहीं पहनते, हाँ जब जरूरत पड़ती है तब उसका उपयोग करते हैं। तो बस ऐसे ही जिन साधनों की अपेक्षा नहीं है, जो साधन आवश्यक नहीं है, उनके प्रति उपेक्षा की बुद्धि रखते हैं, उनको संग्रह करने की बुद्धि नहीं रखते, और जीवन चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता है उन्हें साथ रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। ये है ठीक ठीक विवेक की स्थिति। साधनों को ठीक से जानना पहचानना अपने काम के हैं तो रखना, और उनको ठीक से पहचान कर जो अपने काम के नहीं हैं उन्हें अपने साथ नहीं रखना। विषयों के प्रति बुद्धि बनानी पड़ती है। हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछते रहना पड़ता है। एक हटाया दूसरे की तरफ लग गए, दूसरा हटाया तो तीसरे में लग गए, ये प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं और ईश्वर से हटे हुए हैं तो दुख है, ये विषय बाधक है, क्योंकि इनके कारण हम ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि ये साधन ईश्वर से जोड़ने में साथी होने चाहिए थे, साधक होने चाहिए थे, सहायक होने चाहिए थे, उपयोगी होने चाहिए थे। हमारी इच्छाएं कि हम उधर जाएं, अनुभूति से नहीं लेकिन प्रमाण से तो सिद्ध है कि हम उधर ही जाना चाहते हैं, लेकिन स्वभाव में ऐसा नहीं दिखता। तो प्रमाण से जो सिद्ध हो रहा है उसके अनुकूल बुद्धि भी बनानी होगी। बार बार विचार उठाना होगा, प्रश्न करना होगा कि इन साधनों को क्यों ले रहा हूं, क्यों चाहिए। तो पहले उत्तर आएगा कि भोग चुके हैं, हमें अभ्यास है भोगने का, तो फिर प्रश्न उठाना होगा कि दोबारा इच्छा क्यों हो रही है जब पहले भोग चुका हूं। तो उत्तर आएगा, पहला भोगा हुआ अब बचा नहीं ना, भोग कर नष्ट हो गया था इसलिए दोबारा इच्छा हो रही है। तो जैसे पहले हुआ वैसे इस बार भी तो होगा, वैसी स्थिति बनेगी ना, कोई नई तो नहीं बनेगी। बस जब ये उत्तर मिल जाए कि जैसे पहले हुआ वैसा ही इस बार भी होना है, तो रुकना है, कोशिश करके रुकना है, अभ्यास करके रुकना है। अभ्यास करेंगे इस बात का। मान लीजिए आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आंखें बंद की, और किसी ने सामने लाकर रख दिया आपका मनपसंद भोजन या मिठाई, और उसकी खुशबू पहुंची आपके नाक तक। अब आप ये अनुभव करेंगे कि उसको मुझे देखने की इच्छा नहीं है, अब उसे देखना नहीं है, ध्यान बार बार उधर जाएगा, जाने नहीं देना है। संकल्प कीजिए कि उसमें आकर्षण नहीं आने दूंगा, ये मुझे बाधित नहीं करेगा। अगर अंदर ये अविचलन स्थिरता स्थायित्व की स्थिति बन गई तो बाहर की स्थिति में भी बन जाएगी, चित्त शांत
हो जाएगा, चित्त में बेचैनी उठना बंद हो जाएगी, व्यग्रता बंद हो जाएगी। अभिरुचि की भावना के कारण संग्रह की भावना रहती है, संग्रह की भावना से भोग की प्रवृत्ति बन जाती है और बार बार भोगने से राग उत्पन्न होते जाता है। ये कोई विचार भी हो सकता है हमारा, हमारी कोई सोच भी हो सकती है। इसी कारण उसके ऊपर प्रभुत्व, हमारा दबाव, प्रेशर पड़ता है। यदि विषय शुद्ध है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर नहीं आता, लेकिन अगर वो अशुद्ध, अन्यायपूर्ण है तो प्रेशर आता है। विषय दो ही रहते हैं, प्रकृति, संसार या ईश्वर, और दोनों में से एक तो रहता ही है। जब हम एक पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है। ईश्वर को पकड़ते हैं तो प्रकृति स्वतः छूट जाएगी, लेकिन बाधा ये आती है, ईश्वर जो कि दूसरा विषय है उसे सीधे सीधे हम अपना विषय बना नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति से हम चमत्कृत रहते हैं, उसको देखते हैं, उसे सीधे सीधे जुड़े रहते हैं। आत्मा संसार से रंगी रहती है, तो ऐसे में बुद्धि, ज्ञान से लगाव या ज्ञान को हटाना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमें पहले इसमें नुकसान देखना होता है और सच्चाई को स्वीकार करना होता है कि ये जो संसार है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये सदा मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं सदा इस पर निर्भर नहीं रह सकता। शरीर रहते तो रह सकता हूँ, लेकिन शरीर के बाद मुझे किस पर निर्भर होना है, इस तरह से देखना है। पर होता क्या है, ईश्वर की प्रतीति होती नहीं, ईश्वर का अभाव मानते रहते हैं। समर्पण भी कर दें और ईश्वर की कृपा ना हो तो हम छोड़ बैठते हैं, हम अपनी पात्रता योग्यता में कमी देखते हैं और उसे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। तो जैसे प्रकृति से संबंध बनता है ऐसे ईश्वर से भी बनता छोड़ता है, और तब ईश्वर भी कई बार हमें हमारे ज्ञान में अनित्य मालूम पड़ता है। तू तो है ही नहीं, तू है या नहीं, इसमें हमें भेद संशय बना रहता है। लेकिन प्रकृति सदा साथ नहीं रहेगी, लेकिन ईश्वर तो सदा साथ रहेंगे, ईश्वर नित्य हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर के गुणों को देखना होगा और प्रकृति के भी, प्रकृति के बहुत सारे गुणों को हम अनुभव कर चुके हैं, हमें याद भी है। अब आगे देखना है, जिन विषयों को जान चुके हैं, जिसके परिणामों को भी जान चुके हैं, जिन विषयों को जान चुके उनके जानने में हम स्वयं हम प्रमाण है, हमने स्वयं जाना है, अन्य किसी का नहीं, हमारा स्वयं का सिद्ध किया हुआ है, उसके परिणाम को हमने जाना है। तो अब आगे क्यों अपेक्षा हो रही है संसार से, विषय आते हैं लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालते, इस अनुभूति को पकड़ें। एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। कोई अपना प्रिय विचार, अपनी मान्यता जिसे छोड़ने पर मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी, किसी वस्तु को देखें, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देखें जिसके साथ मुझे सुख मिलता है, जिसके बने रहने की सदा इच्छा रहती है, उसको अपने सामने लाएं और देखें कि उसका ना रहना मुझ पर प्रभाव नहीं डालता। विचार मात्र विचार है, यदि कोई उसे ना माने तो मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं बेचैन नहीं हो जाऊंगा, मैं शांत बना रहूंगा,
कोई मेरे विचार को नहीं मानता तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। यदि ये विचार भी मेरे सुख का कारण है तो इसे मुझे छोड़ना है। मैं आत्मा हूं। जाने हुए विषयों को अब और नहीं जानना है। इन विषयों को मैंने स्वयं अनुभव से जाना है। ये विषय मुझ पर दबाव नहीं बना सकते, मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। ये मुझे बंधन में नहीं ला सकते। मैं स्वतंत्र हूं। मैं अकेला हूं। इनके ना होने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा के साथ हूं। अपने अंदर देखें, कहीं कोई विचार, कहीं कोई मान्यता, कोई सोच, किसी के प्रति राग या द्वेष भी अविरति तो नहीं? इससे मुझे हानि हो रही है। इस बुद्धि को बनाना होगा। अपने अंदर का दोष देखिए, उसे छोड़ने का संकल्प कीजिए। संकल्प को दोहराइए, ओम। देखा, पाया तो लिख लीजिए, अपनी संचिका में लिख लीजिए। जब हम अपना नुकसान नहीं देखते तो उसे हटाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जब हानि देख रहे होते हैं और उसे हटा नहीं पा रहे होते हैं तो विवशता लगती है। तो उसके लिए हम एक उपाय दंड के रूप में लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। दंड ऐसा नहीं कि हम स्वयं को मारेंगे या पीटेंगे। दंड कुछ ऐसा जिससे हम उसकी तरफ प्रेरित हों, इसे रीइन्फोर्समेंट कहते हैं। प्रेरणा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये निदान बनेगा, उपाय बनेगा। कर्म को रोकने के लिए दंड नहीं, विपरीत ज्ञान वाला रीइन्फोर्समेंट, पुनर्बलन। क्योंकि इससे हमें ज्ञान होगा, दंड लेते रहे और कर्म करते रहे तो उसका कोई लाभ नहीं। कुछ हमने किया और उसके बाद पश्चाताप की स्थिति नहीं बनी तो ये दोष बनेगा। हमने किया और पश्चाताप की स्थिति बनी, ये ही होना चाहिए अभ्यास। कर्म करने से पहले ही ये भाव उठने लग जाएगा यदि हम अभ्यास करने लगेंगे तो। पहले ही उठ जाएंगे कि ये करूँगा तो बाद में पछताऊँगा, और फिर इस अभ्यास के साथ साथ अनासक्ति हो जाएगी। वस्तु के स्वरूप का ज्ञान यदि ठीक ठीक हो गया तो स्थिति बन जाएगी। इसके लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा, अपना कोई विचार, कोई भी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी आकर्षित करता हो, कहिए मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका ज्ञान उठना बंद हो जाएगा,
उसके लिए चाहत समाप्त हो जाएगी। पर इसमें कई बार हमारे सोचने के समय कोई विषय ही नहीं उठता, मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और कोई ज्ञान ना उठने से हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सर में दर्द भी होने लगता है और हम भूल भी जाते हैं और हमें ये भी नहीं दिखता कि हमें आगे चाहिए क्या। सामान्य रूप से ज्ञान चलना चाहिए, भीतर से हम चाहते हैं लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऊपर से हम कहते हैं कि नहीं चाहिए लेकिन अंदर से नहीं चाहते, ये एक दोष है। भोजन खाते समय मना करते हैं लेकिन अंदर से इच्छा रहेगी कोई एक बार और पूछ ले, एक बार और। दोनों ज्ञान काम करते रहते हैं तो सूक्ष्मता में जाकर पकड़ना पड़ेगा, स्थूल ज्ञान को छोड़ना होगा। जब भी ऐसा होगा कि अंदर से स्थिति हो रही है कि एक बार और कोई पूछ ले, एक बार और कोई कह दे, एक बार और कोई मेरे इस विचार को सुन ले, मेरी बात को सुन ले, मेरी कविता को सुन ले, मेरी इस मान्यता को कोई मानता क्यों नहीं, मैं कितना अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ फिर इसे मानता क्यों नहीं, तो समझ जाइए ये भी अभिरति है। जो भी बाधित करे उसकी प्रतिभावना बनाए कि नहीं चाहिए, संतोष की सहायता ले सकते, कह सकते चलो कोई बात नहीं, नहीं मान रहे हैं तो जाने दो, ये उसके संस्कार, उसके पूर्वजन्म के संस्कार, उसका कर्माशय। अपने वैल्यूज पर, अपने सिद्धांत पर, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बस ये कहना है कि मुझे ये नहीं चाहिए। शरीर को हम जब गलत दे देते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं और ये कहकर कि क्या करें, समय नहीं मिलता, भाग दौड़ की जिंदगी है इसलिए हमको फास्ट फूड खाना पड़ता है, और जस्टिफाई करते रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब नहीं खाएंगे और फिर खा लेते हैं, बस ऐसे ही तो वैल्यूज को छोड़ते जाते हैं और जस्टिफाई करते जाते हैं। तो जैसे शरीर बीमार होगा वैसे ही वैल्यूज को छोड़ने से मन बीमार होगा, ये ही प्रवृत्ति छोड़नी है। अभी 1 घंटे सुना, अभ्यास किया, ऑफिस के लिए निकले, कोई बाहर सुन रहे थे तो घर पहुंचे, कोई मिल गया, कोई सब्जी वाले के पास खड़े होके बतियाने लगे, उन्होंने कोई बात बताई, हमने कोई बात बनाई, उन्होंने नहीं सुनी तो गुस्सा आ गया, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने जो 1 घंटा बिताया वो हमने एक अच्छा लगने की दृष्टि से बिताया, हम बातें सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है और फिर वापस अपनी जिंदगी में लौट गए। तो क्या करना है, पकड़ के रखना है, इसे अपने अंदर कैसे बनाए रखें। दिन भर में कितनी सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं ना, लेकिन कुछ मुख्य बातें भी हो जाती हैं, तो जो हमें विशेष लगे उसे जाने नहीं देना। आत्मा परमात्मा को हमेशा याद रखना है, खुद से जोड़े रहना है और ईश्वर से भी खुद को जोड़े रखना है। तो कोई ये पूछे कि हम इतने आध्यात्मिक हैं तो क्या हम व्यवहार में भी इसे अपना सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम कर्मफल को मानते हैं ना, तो जब हम नौकरी करते हैं तो उस समय झूठ बोलते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र विचार रख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि हम आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। तब ये प्रश्न उठता है ना कि हम व्यवहार में कैसे लाएं, क्योंकि वहां तो झूठ बोलना पड़ता है, छुट्टी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तब हम खुद को आर्य समाजी नहीं कह सकते, क्योंकि जो आर्य समाजी होगा वो आध्यात्मिक होगा, व्यवहार में वो नैतिक होगा, क्योंकि अगर नैतिक नहीं हुए तो जन्मों के संस्कार, कठोर संस्कार चित्त पर पड़े हैं, टूटेंगे नहीं। तो फिर कोई प्रश्न ये करे कि तो हमें जब ये अच्छी लगती हैं बातें और अच्छी हैं भी, तो हम इन्हें यूज में क्यों नहीं लाते, प्रयोग क्यों नहीं करते, हमारा अच्छा समय बीतता है, हम खुद को आध्यात्मिक कहलाना पसंद करते हैं इसलिए हम इन्हें सुनते हैं, लेकिन इन्हें हम यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा
पहले से जन्मों से चलते चलते एक विश्वास बन गया है और इतना दृढ़ हो गया है कि दूसरे ज्ञान को वो बचने ही नहीं देता, बैठने ही नहीं देता, झड़ जाता है। जैसे धूल सुबह आई शाम को झाड़ू लग गई। जब हमें शरीर में परिवर्तन लाना होता है तो कितनी इच्छा शक्ति चाहिए होती है ना अपना वजन घटाने के लिए, फिर भी हम बीच बीच में उस स्थिति को छोड़ देते हैं। फिर कोई हमें याद दिलाता है नहीं तुम्हें वेट कम करना है, तो ये हम फिर से उस पर लगते हैं। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि ये कठिन रास्ता है, हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसे साथी चाहिए, हमें ऐसी बातें चाहिए जो हमारी विल पावर को कम ना होने दें। वरना हम कहेंगे झूठ तो बोलना ही पड़ता है, वरना हम कहेंगे ये तो खाना ही पड़ता है, वो तो पीना ही पड़ता है, बिजनेस में ये तो करना ही पड़ता है, ये वो। जब हम करेंगे तो फिर इन अच्छी बातों को यूज नहीं कर पाएंगे। हम क्या मान रहे हैं ये जरूरी है, हमारा विश्वास किस तरह का है ये जानना जरूरी है। रुकना है 2 मिनट के लिए अपने साथ, बैठना है अपने साथ, ढूंढना है अपने आप को। तो जितना त्याग किया जाता है उससे ज्यादा हासिल होता है। त्याग का दर्द मौत के दर्द के बराबर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मांस का टुकड़ा शरीर से खींचकर निकाल लिया हो जैसे। लेकिन इस अभ्यास को करते करते पुराने को खत्म होना ही नए को जन्म देता है। यदि हमें एक नई बेहतर सिद्धांत समझ विकसित करनी है तो जरूरी है अपनी रूढ़िवादी सोच उस समझ को मारना। अपने कुछ समय के लिए इस विचार को दूर रखें, नए ज्ञान और समझ के लिए खुद को उपलब्ध कराएं। ये तभी संभव है जब अपने साथ वर्षों से जुड़े, वर्षों से सभी प्रेजुडाइस को, दुराग्रहों को, पूर्वाग्रहों को जान लिया हो। जो ज्ञात है उसे शांत रखना और जो नई बात है उसे स्वीकार करना। यदि किसी की जानकारी का आनंद उठाना है तो भी उस समय पूर्वाग्रहों से प्रेजुडाइस नहीं करना, नहीं होना, पहले से बनी बनाई सोच पर नहीं चलना, उन्हें परे रखना है, तभी नई बातों को प्रवेश मिलेगा। तो त्याग के जरिए जीवन का सबसे अधिक लंबा, ठोस, स्थायी, चरम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। वो मृत्यु ही है जो जीवन को मायने दे जाती है। अपने स्व का त्याग करना, स्व की मृत्यु। हाल ही के दिनों में एक शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ, मिड लाइफ क्राइसिस। ढेर सारी समस्याओं में से एक है मिड लाइफ क्राइसिस। जब आयु बदल रही हो उस समय कामयाबी के साथ काम करते हुए अपने कई पसंदीदा मतों को, विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। हर बात को करने और सोचने का तौर तरीका बदलना पड़ता है। कुछ लोग बेमानी हो चुकी बातों का दर्द सहन ही नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, ऐसे में वो अपनी पुरानी सोच के साथ बंधे रहते हैं और कभी भी किसी समस्या का हल नहीं खोज पाने में उग्र हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वास्तव में वो परिपक्व नहीं हो पाते और वास्तव में समय के साथ आने वाली परिपक्वता का मजा नहीं ले पाते। तो ये भी अभिरति है, अपनी पुरानी सोच के साथ ही चलते रहना और नई सोच या समझ को अपने अंदर प्रवेश ना देना। मतलब ये है कि परिपक्व को मानसिक स्वास्थ्य चाहिए हो या ईश्वर आवश्यक हो तो पुराने बने बनाए नक्शे को छोड़ना पड़ता है और पैराडॉक्सिकल आवश्यकताओं, जिम्मेदारियों में संतुलन साधने में और साधे रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। पुराने लक्ष्य को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि वो सही है तब भी छोड़ देना। जो गलत है, जैसे कि बचपन में कुछ समस्याओं का हल करने के लिए हमने कुछ समाधान जुटाए है ना, और उन्हीं समाधानों से हम आज भी व्यस्त होने के बाद भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा ना। ये है छोटे मोटे त्याग। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपने
बच्ची को शाम को खुश करना चाहता है, तो उसे खुश करने के लिए प्लान किया कि हम शतरंज खेलेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत दिनों से कह रहा था। दोनों शतरंज खेलने में मगन हो गए और वो व्यक्ति तो इतना मगन हो गया कि वो ध्यान ही नहीं रख पाया कि उसने अपने बच्चे को हरा दिया। बच्चे की जीतने की इच्छा को उसने समाप्त कर दिया और खुद शतरंज में जीत कर बेहद आनंद लिया। लेकिन जीतने की इस इच्छा में जो आनंद था उसमें वो नहीं छोड़ पाए जो बच्चे की इच्छा में था, और बेटे की शाम स्पॉइल हो गई, खराब। तब समझ पाए कि खुद के जीतने से ज्यादा बच्चे को जिताने में आनंद मिलता। ठीक ऐसे ही जब बचपन में नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल की स्पीड का आनंद ही कुछ और होता है। मजे से साइकिल चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, कभी हाथ छोड़कर चलाना चाहते हैं, और उससे साइकिल की स्पीड में इतना आनंद होता है कि मोड़ पर भी स्पीड कम नहीं करते और उस आनंद को छोड़ना गवारा नहीं समझते। मोड़ पर मुड़े तेजी से और गए धड़ाम, एक्सीडेंट, चोट लगती है बहुत, और तब समझ में ये आता है कि साइकिल की स्पीड का आनंद ना छोड़ना भी अविरत ही था। तो किसी भी चीज को, अपने पुराने ज्ञान को छोड़ना या अपनी पुरानी छवि को, इमेज को अलविदा कहना, ये मानसिक और आध्यात्मिक विकास का ही एक हिस्सा है। व्यवहार की जो तय हो चुके खाके हैं, विचारधारा या पूरी जीवन शैली का त्याग, ये वो बातें जो हमारे जीवन का लंबा सफर तय करने के लिए त्यागनी पड़ती हैं। जब त्यागने की प्रक्रिया में कोई चीज बाधा बन जाए, मामला तब गड़बड़ा जाता है। परिणाम होता है निराशा, उदासी, डिप्रेशन। लंबे समय तक चले तो डिप्रेशन हो जाता है ना, फिर इसे दूर नहीं कर पाते। ना त्याग पाने की कमजोरी का नाम है उस बाधा का नाम, हम त्याग नहीं पा रहे हैं। क्या आध्यात्मिक तौर पर इस स्तर तक पहुंचा जा सकता है जहां ये दर्द, ये दुख समाप्त हो जाए? जी हाँ, एक बार त्यागने के दर्द को स्वीकार कर लिया तो वो समाप्त होगा। आध्यात्मिक तौर पर विकसित व्यक्ति उतना ही पारंगत होता है जितना कि एक बच्चे की तुलना में एक व्यस्त व्यक्ति। जो बातें बच्चे को परेशान करती हैं वो बातें व्यस्त को तो परेशान नहीं करती है ना। आध्यात्मिक तौर पर तभी विकसित हम हो पाते हैं जब जब बोध हो जाए, तब वो एक बेहद प्यार करने वाला इंसान बन जाता है। उसके प्यार करने की अतिरिक्त ताकत ही अतिरिक्त आनंद का कारण है। जो अपने गुणों को रोक ही नहीं सकता, नहीं रुकता, जैसे कोई भूखा शिशु हो आपके सामने तो आप उसे भोजन देने से रुक नहीं सकते ना। भले ही दुनिया एक साधारण और आम इंसान उसे समझे, लेकिन वो अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल बेहद शांत होकर करते रहता है, करते रहता है। ऐसा करने में बहुत सहना पड़ता है क्योंकि दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले फैसले लेने होते हैं। सबसे अच्छे निर्णय वही लोग ले पाते हैं जो सबसे अधिक झेलते हैं या झेलने के लिए तैयार होते हैं। किसी व्यक्ति की महानता को नापने का ये भी तो सबसे बड़ा पैमाना है। उसके दर्द सहने की क्षमता को ही तो हम देखते रहते हैं, फिर भी महान लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। महर्षि दयानंद का जीवन, उनके जीवन की एक-एक घटना हमें यही तो दिखाती है। तो अगर आपका इरादा दर्द से बचना और परेशानियों को टालना है, प्रयोग में, अभ्यास में आने वाली तकलीफों से बचना है, तो आपसे चैतन्य अवस्था या आध्यात्मिक के और ऊंचे शिखर को पाने के प्रयास का आग्रह तो बिल्कुल नहीं करूंगी। ईश्वर बिना दर्द या परेशानी के हासिल नहीं होगा, और हासिल कर लिया तो दर्द परेशानी को झेलने की अपेक्षा
ये अपेक्षा समाज की आपसे बढ़ जाएगी, जिसकी अभी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फिर ऐसे विकास की क्यों इच्छा? तो फिर इसके लिए कहूंगी कि ये इच्छा ना होने का मतलब है कि शायद शायद उस आनंद के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उस ईश्वर को अभी जाना ही नहीं। जब समस्या जीवन शैली में या स्वभाव में परिवर्तन करने की हो, तब अन्य बातों के अलावा अपने दिलो दिमाग में बने सोच के नक्शों को जांचने की आवश्यकता होती है। कई बार मरीज इलाज के लिए केवल इसलिए आते हैं कि वो अपने पूर्वाग्रह से इतने जुड़े होते हैं, इतना लगाव रखते हैं, इस हद तक चिपके होते हैं कि उसमें परिवर्तन उसे छोड़ने का प्रयास नहीं कर पाते। हम सबके पास कोई ना कोई किसी बात, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति के साथ लंबे काल का अनुभव है और उसके लिए एक मेंटल सेट बन गया है, जिसके आधार पर हम हर बार उस परिस्थिति में या घटना या उस व्यक्ति के लिए समान प्रतिक्रिया देते हैं ना। और धीरे धीरे ये इतना स्वाभाविक है कि ये प्रतिक्रिया हमारी आदत में आ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता। और ठीक यही बात दूसरी जगह पर भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो हरियाणा की खाप पंचायतें जिस तरह से प्रेम विवाह पर प्रतिक्रिया करती है, जातिगत विवाह पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम सब लोगों के अंदर आरक्षण को लेकर जैसा मेंटल सेट बन गया है। और ये मेंटल सेट अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की हानि और निर्माण तक में आगे चलकर भी काम करता है। वोट डालना भी एक इसका बड़ा उदाहरण है। मेंटल सेट से चिपके होने के कारण हम एक कदम हटकर सोच नहीं पाते। कुछ लोग सोचने देना नहीं चाहते, समस्या का हल करने में कष्ट होता है। कष्ट से निपटने का तरीका है सच्चाई को स्वीकार करना, लेकिन हम में से कई लोग प्रयास करना नहीं चाहते क्योंकि दर्द होगा, तकलीफ होगी, सोचना पड़ेगा। कुछ मध्यम आयु तक सोचते हैं क्योंकि जिंदगी का फलसफा पूरा हो गया और वो आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं, आगे कुछ नई खोज करना छोड़ देते हैं, कुछ नया शामिल करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कोई बदलाव नहीं हो सकता। नई सूचना, नई जानकारी के लिए दिमाग के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर चुके होते हैं। कुछ किस्मत वाले सच के रहस्य की खोज में जुटे रहते हैं, जैसे आप। दुनिया हर समय बदल रही है, ग्लेशियर, संस्कृति, नदियां, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, तो कितना कुछ बदल रहा है। बचपन जो शक्तिहीन था, वयस्क जो शक्तिशाली है, वृद्धावस्था, बुढ़ापा जो फिर शक्तिहीन होगा। सच्चाई को स्वीकार करके यदि हमने नई जानकारी इकट्ठा की तो ठीक, स्वीकार किया सच्चाई को तो ठीक, और नहीं किया तो सच को झूठ बनाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति लंबे और कड़े संघर्ष के बाद दुनिया का एक खाका तैयार करता है, एक सोच निर्माण करता है जो अब तक उसके लिए काफी कारगर साबित हुआ। ऐसे में कोई नई जानकारी या सूचना उसको मिले तो पता ये लगता है कि उसने जो अब तक सोच और खाका बनाया था वो काफी कुछ गलत था, और उसे उस सोच के नक्शे को फिर से नए सिरे से बनाना होगा, उसे बदलना होगा। तो होगा ना पीड़ादायक? तो होता है पीड़ादायक, इसीलिए तो नहीं छोड़ पाते हम अपनी पुरानी रूढ़ियों को, मान्यताओं को। तब ऐसे में हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं? करते ये हैं कि नई सूचना या जानकारी की उपेक्षा कर देते हैं, मानते नहीं, ध्यान ही नहीं देते, सीधा सीधा नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर इस नई सूचना या जानकारी को अपने लिए खतरनाक सिद्ध करने में लग जाते हैं, या उसे बेकार सिद्ध करने लगते हैं, क्योंकि उसे अपनाने में जो अब तक हमारा मेंटल सेट बना हुआ था, जो एक सुविधा बन गई थी, एक कंफर्ट जोन था, उसे तोड़कर नए ढंग से कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उस नए सोच, नए ज्ञान को गलत साबित करने में लग जाते हैं। या फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के अपनी जानकारी को सही सिद्ध करने लग जाते हैं, या फिर
नई वास्तविकता, नई सच्चाई के आधार पर अपनी सोच के नक्शे को बदलने की बजाय उस सच को झूठा बताना शुरू कर देते हैं, उस सच में दोष दिखाना शुरू कर देते हैं। सोच को बदलने में लगने वाली शक्ति को बचाने के चक्कर में, अपनी सोच की रक्षा करने के चक्कर में हम कहीं अधिक शक्ति खर्च कर देते हैं। वास्तविकता से परे और बेमानी हो गई सोच पर अड़े रहना मनोरोग की जड़ है। मनोचिकित्सा की भाषा में इसे ट्रांसफेरेंस कहते हैं। ट्रांसफेरेंस क्या? बचपन में विकसित किया एक ऐसा तरीका जिससे घटना पर हमें रेस्पॉन्स करना होता था, समस्या का समाधान करते थे, बचपन के लिहाज से सही था, लेकिन जब व्यस्क होने पर जिस दुनिया से वास्ता पड़ेगा वो यहाँ सही साबित होंगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये इतना चुपचाप दबा छिपा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो विवेक वैराग्य का अभ्यास यही है, अपने छिपे दबे पूर्वाग्रहों से बाहर निकालने में हमें मदद करता है। हमारे पुराने बने नक्शों को हटाकर नई सोच को विकसित करने के लिए तैयार करता है। सच्चाई को स्वीकार करने की आदत, ना करने की आदत इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैली है कि इसे मानव स्वभाव का हिस्सा ही मान लिया है। स्वाभाविक व्यवहार मानने का मतलब ये तो नहीं कि उसे बदला नहीं जा सकता या वो सदा ही फायदेमंद रहेगा। बचपन में रात को कितने लोगों ने बिस्तर गीला किया? किया? सभी ने किया। नात ना माजना या टॉयलेट मैनर्स ना होना, ये सब कुछ, खाना खाते हुए प्लेट में चम्मच बजाना, बजाइए कभी, ये सब स्वाभाविक ही है। फिर भी हम खुद को वो अस्वाभाविक काम तब तक सिखाते हैं ना जब तक कि हम वो स्वभाव का हिस्सा ना बना लें। हम क्यों करते हैं ऐसा? आज दांत मांजना हमारी स्वभाव का हिस्सा हो गया है। इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया कुशलता के आधार पर व्यक्ति को परखती है, लेकिन उसे समझदार नहीं कहते। समझदार भरी जिंदगी वो है जिसमें चिंतन और काम दोनों का सही सही संतुलन हो। चिंतन और विश्लेषण, एनालिसिस करने की विशेषता इंसान बनाती है। हाँ, कुछ और गुण भी हमें इंसान बनाते हैं। अस्वाभाविक काम करने की हमारी क्षमता, स्वभाव को बदलने की क्षमता, दुनिया को बाहर से अधिक दरअसल हमारे भीतर छिपी बातों से खतरा होता है ना। जब भी हम किसी से संवाद करें, बात करें, तो न केवल हमारे शब्द बल्कि हमारे बोलने के अंदाज में इसका प्रभाव झलके। हमारे शब्द और हमारा अंदाज हमारे द्वारा जानी सच्चाई को दिखाएं, दिखने दें, ऐसी ईमानदारी बिना परेशानी के हासिल नहीं होगी। इसलिए झूठ बोलने का कारण यहीं छिपा है। चैलेंजेस और रिजल्ट की परेशानियों से बचना चाहते हैं। मानसिक रोगों की जड़ भी ये झूठों का पुलंदा है। ऐसे झूठ जो हमसे बोले गए या हमने खुद बोले हो। वास्तविकता का खेल ईमानदारी का खेल है। इन जड़ों को ईमानदारी के प्रयासों से ही खोजा जा सकता है। और विवेक वैराग्य का अभ्यास करना ये ईमानदारी का प्रयास है। ईमानदारी से प्रयास करेंगे, प्रयोगों को करेंगे, अभ्यास करेंगे, खुद को जानेंगे, सच्चाई को स्वीकार करेंगे, और जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जाएगी, स्वीकार करके, अभ्यास करके दोषों को हटाते जाएंगे। इंसान का आध्यात्मिक विकास मानवीय अस्तित्व का पराकाष्ठा है, चरम है। ये होगा कैसे? ये होगा सच्चे आत्मविश्लेषण से, इंट्रोस्पेक्शन से। क्योंकि जब जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और अपनी सच्चाई को स्वीकार करने लगेंगे, तब जाकर हम इसका निदान शुरू करेंगे। जब हम ये मानने लगेंगे कि हाँ मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, तभी तो धोने का प्रयास करेंगे। भगोना जल जाए, भगोना जला हुआ है, जब हम ये देख लेते हैं और ये जानते हैं, तभी तो उसकी सफाई शुरू होती है। और वो जितना अधिक जला हुआ होता है उसकी सफाई उतनी अलग अलग तरीकों से करते हैं ना। तो
थोड़ा सा जला होगा तो केवल साबुन पानी से साफ कर लेंगे, ज्यादा होगा तो और रगड़ लेंगे। लेकिन मान लो भगोने में दूध चल गया, पूरा दूध चल गया, अंदर पपड़ी बन गई, फिर क्या करेंगे? फिर केवल साबुन पानी काम नहीं आएगा, फिर कुछ और बेहतर करना होगा और देर तक करना होगा। करते हैं ना ऐसा, भगोने को गैस पे पानी भर के रखेंगे, उसमें मीठा सोडा डालेंगे, उसमें लिक्विड वॉश डालेंगे, सिरका डालेंगे, नींबू डालेंगे, देर तक उबालेंगे और फिर वो पपड़ी अपने आप उखड़ उखड़ के आने लगती है, साफ हो जाता है भगोना, वापस चमक जाता है। ऐसे ही वापस आत्मा चमकेगी। हम अपने बर्तनों को चमकाते हैं, नए नए तरीकों से सीखते हैं, उन्हें जानते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए आत्मविश्लेषण में हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक ठीक यही बात, यही करना है। अब तक हमने सफर में यही सीखा कि आत्मविश्लेषण में होने वाली परेशानी से हम भागते हैं। बाहरी दुनिया का विश्लेषण तो हम हर क्षण करते हैं, उसमें मन भी लगता है, दूसरे को जानना, दूसरे के अंदर कमियां देखना, क्षमा करें, कितना कुछ तो करते हैं। लेकिन अपने लिए तकलीफ होती है जब हम बार बार अपना घाव छूते हैं, तो तकलीफ होती है। पर हम कहते भी हैं, सिखाते भी हैं कि घाव को छू मत, इसे ठीक होने दो। लेकिन हम बाहर दूसरों के घाव कुरेदते हैं, छेड़ते हैं, उसे ठीक होने का अवसर कब देंगे? हम उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं। विश्लेषण करना आवश्यक है, दूसरों का भी, अपना भी। दूसरों के विश्लेषण से हम स्वयं सतर्क होते हैं, हमारा स्वयं का व्यवहार ठीक होता है। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन दूसरों का विश्लेषण केवल उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें बेवकूफ दिखाने के लिए करना, नहीं, तब ये ठीक नहीं है, ये दुखदाई है। हाँ ठीक, ऐसे ही अपना विश्लेषण भी इसी तरह से करना, खुद को बेवकूफ सिद्ध करने के लिए, या खुद से घृणा करने के लिए, या खुद को नीचा दिखाने के लिए, नहीं, ये नहीं करना। एक तरह से आत्मविश्लेषण में हम अपने आप को बचाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। मैंने ये इसलिए नहीं किया, मैंने ये इसलिए किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इससे हम बहुत सारे मानसिक रोगों से बचते हैं। लेकिन हम अगर सही सही विश्लेषण नहीं कर रहे हैं और केवल अपने आप को बचाना ही हमारा उद्देश्य है, तो हम बहुत सारी समस्याओं से घिरने वाले हैं, बहुत सारे दुखों का सामना करने वाले हैं। तो इसलिए अपना विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है, ईमानदारी के साथ, और उसे स्वीकार करना है, तभी इस जले हुए भगोने को हम ठीक कर पाएंगे, अपनी आत्मा को चमका पाएंगे। जब कोई इंसान सच्चाई को समर्पित हो जाए, तो ये परेशानी, ये दर्द कम हो जाता है। आत्मविश्लेषण की राह पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तकलीफ और दर्द कम होता जाता है, सुकून मिलने लगता है। सच्चाई के लिए समर्पित जीवन का आखिर मतलब क्या है? जब हम ये कह रहे हैं सच्चाई के लिए समर्पित हो जाइए, तो कैसे, क्या है इसका अर्थ? सच्चाई के लिए समर्पित जीवन का अर्थ केवल इतना, एक ऐसी जिंदगी जिसमें लगातार, निरंतर और कभी भी खत्म ना होने वाला आत्मविश्लेषण करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्योंकि आज नहीं तो कल, इस बात को तो मानना ही होगा कि हमारी जिंदगी केवल और केवल
आज जैसी भी है, दुख में या सुख में, मेरे चुनाव, मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों के द्वारा बनी है। जो अतीत में हमने निर्णय लिए, जैसे लिए, उसका परिणाम आज की मेरी जिंदगी है। तो आज कैसी भी जिंदगी हो, आगे की जिंदगी कैसी हो, जब ये जान लिया तो आज से अपने में वैसे ही निर्णय लेने होंगे जैसे हमें भविष्य में जिंदगी चाहिए, जैसे हम अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं। तो देखिए ना, किसने रोका है? खुद को बेहतर देखने से किसको किसने रोका है? कोई नहीं रोक सकता, रोकने वाले हम स्वयं हैं। तो अपने आप को ही अपने रास्ते से हटाना होगा, हम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा है। अपने आप को अपने रास्ते से हटाइए, देखिए अपने बेहतर, सुनहरे, साफ, शुद्ध, सच्चे भविष्य को और अपने अंदर कीजिए परिवर्तन। लीजिए निर्णय, लीजिए संकल्प और अपना भविष्य सचमुच सचमुच वैसा होगा जैसा आज सोचा है। तो हमारी जिंदगी केवल और केवल हमारे लिए गए संकल्प और निर्णय से बनी, तो हम खराब चुनाव क्यों करेंगे, बेहतर करेंगे ना। हर चीज तो अपने लिए बेहतर ही चुनी है, तो अपनी जिंदगी के भविष्य में हम बेहतर भविष्य देख रहे हैं। तो आज पीड़ादायक भी हो तो कोई बात नहीं, हमें क्षमता ना दिखती हो तो भी कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को रोज मांझेंगे, रोज अच्छा महसूस करेंगे। यही तो सीखा है हमने, अपने अंदर झांकेंगे और उसे ठीक करके चल पड़ेंगे। करते हैं समर्पण। जब हम छोटे थे याद है ना, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, गिरते थे झट से उठ जाते थे, फिर गिरते थे फिर उठ जाते थे, लेकिन चलना नहीं छोड़ा, बैठ नहीं गए, चलते रहे चलते रहे। साइकिल या हवाई जहाज किसे चलाना आता था? नहीं आता था ना, सीखा ही है, अभ्यास ही किया है और चला पाते हैं। यदि केवल बता दिया जाए तो नहीं चला पाएंगे, यदि बता दिया जाए कि ऐसे चलेगा तो जाकर हम चलाने लगे ऐसा नहीं होगा, करने से, उसका अभ्यास करने से फिर हम सीखेंगे। और हम तैयार हैं अगर अभ्यास करने के लिए, तो कोई कारण ही नहीं है कि विवेक वैराग्य उत्पन्न ना हो, हमारा चित्त शांत ना हो। और कोई कारण ही नहीं है कि परम पिता हमें ना मिले, मिला ही हुआ है, साथ है, हर क्षण देख रहा है हमारी ओर, चाहता है हम उसे पाएं। आइए मिलकर उसको पाने का अभ्यास करेंगे। ओम नमस्ते जी।